लिमिट्स के बारे में। ठीक, तो लिमिट्स बेसिकली है क्या, है ना, लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स को हम लोग समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लिया हमने, सपोज दैट कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, फंक्शन हमने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। सपोज दैट कि ये हमने एक एग्जांपल ले लिया और आपसे कहा है कि ये तो आपको पता है ना एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू टू। ठीक है, क्योंकि टू पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपसे बोला है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, इस फंक्शन का हमें वैल्यू निकालना है एट एक्स इक्वल टू टू। हमने बोला क्या कि एक्स इक्वल टू टू पे इसकी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती। ठीक है, तो चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू टू। एट एक्स इक्वल टू टू जब हम लोग डालते हैं एफ ऑफ टू, तो क्या होता है, इसमें क्या आएगा, जीरो बाई जीरो का फॉर्म आता है। चेक कर लो, है ना, जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है, देख लो आ रहा है। यस सर। फोर माइनस वन, फोर माइनस फोर डिवाइड बाई टू माइनस टू, है ना, तो जीरो बाई जीरो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, इन डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही बोलोगे कि ये फंक्शन जो है दैट इज अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है एक्स इज इक्वल टू टू पे। ठीक है, तो हमें कहा गया कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हमको फिर भी इंटरेस्टेड है हम लोग कि क्या करना चाहिए, है ना, कि टू पे नहीं है डिफाइंड, तो टू के आसपास की वैल्यू क्या होगी, है ना। यहीं से लिमिट की शुरुआत होती है कि जब टू पे डिफाइंड नहीं है तो सपोज दैट हमें 2.199 पे क्या होगा वैल्यू इसका, या फिर 2.01 पे वैल्यू क्या होगा इसका, है ना। तो इस चीज के लिए हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि उसके टू पे डिफाइंड नहीं है तो टू के आसपास की वैल्यू तो पता चले कम से कम, है ना, टू के आसपास की वैल्यू क्या होगी वो हमें जानना है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिमिट्स का बात करते हैं। ठीक है, तो इसको और डिटेल में समझने के लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं, जस्ट सी टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल एक इस तरह का। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट कि x की वैल्यू जो होगी, है ना, सपोज दैट ये 2 के तरफ, है ना, ये जो 2 के तरफ अप्रोच कर रही है 2 पे, है ना, ये 2 पे वैल्यू क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये x का है वैल्यू, है ना, और यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब बताओ एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 बाय 0। यस सर, है ना, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम लोग इसके आसपास की वैल्यू को सोचते हैं कि क्या होगा, है ना, तो सपोज दैट 2.01 पे क्या होगा, मैंने बोला कि 2.01 पे क्या होगा, बहुत ही क्लोज, है ना, 2.01 पे क्या होगा, 2.02 पे क्या होगा, ठीक है, 2.03 पे इसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन की। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो 1.99 पे वैल्यू इसकी क्या होगी, है ना, 1.98 पे वैल्यू इसकी क्या होगी, ठीक है, 1.97 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.96 पे क्या वैल्यू होगी। ठीक है, yes. तो ये अब आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि लिमिट्स हमको क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग समझ रहे हैं। फिलहाल तो हमको इतना पता है कि एट एक्स इक्वल टू टू पे हमारा क्या है, फंक्शन अनडिफाइंड है, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जीरो बाय जीरो के फॉर्म में है। ठीक है, मीनिंगलेस। ठीक है, मीनिंगलेस। अब इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, हमको क्या करना है, इसकी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है एट इसके आसपास की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक जस्ट इसको रीराइट करते हैं, इसको जस्ट रीराइट करते हैं। ठीक है,
क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू लिख सकते हैं, डिवाइड बाय एक्स माइनस टू। किसी को कोई दिक्कत इसमें, ये फंक्शन लिखते हैं क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत? तो यहां से आपको ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, कोई दिक्कत? इसको no, हमने sir. आपने बोला कि सर ये तो हम लोग पहले ही कर सकते थे, है ना, ये तो हम लोग पहले ही कर सकते, तो हम लोग ने टू की यहाँ पे इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों लिखा, है ना। तो अब देखो कि जब इसको हम लोग ये अलग से हमने अभी बस समझाने के लिए लिखा है, इसके वैल्यू लिखने के लिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखने के लिए हमने इसको जस्ट लिखा है, है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ एक्स की, वो जानने के लिए हमने इसको प्रोसीड किया है, रीराइट किया है अलग फॉर्म में, है ना। लेकिन हमें अभी जो है इसको समझना है, इस बात को समझना है, ठीक है, कि f of 2 पे फंक्शन की लिमिट की क्या होगी, आसपास की वैल्यू क्या होगी, है ना। लिमिट समझने के लिए हमको अभी इसको इसकी जरूरत है, है ना, लिमिट समझने के लिए अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत है, इसकी नहीं है, बस इसको मैं वैल्यू निकालने के लिए ही लिखा हूं ऐसा, बात समझ में आ रही है। क्योंकि अगर ऐसा हम लोग नहीं करते, है ना, अगर ऐसा हम लोग नहीं करते तो फिर हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ जाता कि 1.99 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 1.99 माइनस 2, है कि नहीं, तो ये बहुत ही बड़ा काम हो जाता। तो बस वैल्यू जानने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, आपका अगर टू पहले राइट हैंड, अगर पहले लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे ही आपका एक्स का वैल्यू टू की तरफ अप्रोच करता है ना, एट एफ ऑफ टू क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी, टू प्लस टू होगी ना, इक्वल टू फोर होगा ना। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड से टू की तरफ अप्रोच कर रहे थे, है ना, लेफ्ट साइड से टू की तरफ अप्रोच कर रहे थे, तो हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही थी, फोर की तरफ, बात समझ में आ रही है। कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से x की तरफ अप्रोच कर रहे थे, x क्या, 2, है ना, at x equal to 2 पे ही ना देख रहे हम लोग। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से f of x की तरफ अप्रोच कर रहे थे, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू जो था वो 4 की तरफ, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा था, ठीक है। सिमिलरली अगर जब हम लोग इस तरफ से अप्रोच कर रहे थे राइट हैंड साइड से, है ना, राइट हैंड साइड से भी जब कर रहे थे, तो यहाँ पे 2.01, ठीक है, इसकी वैल्यू लिखो क्या होगा यहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 2.01, तो वैल्यू क्या आएगा, 4.01, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 4.02, यहाँ क्या आएगा, 4.03, ठीक है। अब इधर की बात करो, लेफ्ट हैंड साइड की बात करो, तो क्या होगा, 3.99, ठीक है, 3.98, ठीक है, यहाँ पे 3.97, ठीक है, 3.96, यही है ना। यस सर। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम लोग x की तरफ, मतलब x इक्वल टू 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, है ना, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये देखो 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, और यहाँ पे अभी भी हमने 0.0 लिख लिया है, है ना, 0.0 लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, पता है ना, उसके जस्ट क्लोज, 2 के जस्ट क्लोज आपको क्या जा रहा है, 4 की तरफ वैल्यू अप्रोच कर रही है। सिमिलरली जब आप राइट हैंड साइड से आते हो, तो क्या होता, 4.03, 4.02, 4.01, और उसके पास जस्ट क्लोज आएंगे तो क्या होगा, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं। ये तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब ये लिमिट का आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये लिमिट आखिर है क्या चीज। तो बोलता क्या है, एज
as x approach as x approach towards 2 है ना, 2 की तरफ जब अप्रोच करेगा x देन f of x will approach है ना, will approach to 4 ठीक है। तो इसको हमने क्या क्या, पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो अगर मान लो यहाँ पे मैं as x approach towards 2 ठीक है, तो इसमें मैंने मान लिया कि लिमिट है ना x tends to 2 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कैसे लिखते हैं 2 माइनस है ना, 2 माइनस का मतलब क्या है कि जो लिमिट है जो हमारा f of x है वो किधर, जो हम लोग किधर से अप्रोच कर रहे हैं f of x को, लेफ्ट हैंड साइड से ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से उसको हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो लिमिट x tends to 2 माइनस f of x है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। बात समझ में आ रही है कि जब हम लोग लिमिट को, जब हम लोग फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे दैट इज x टेंड्स टू 2 माइनस, तब इसकी वैल्यू क्या है, तब इसकी वैल्यू क्या है, क्या है 4 है ना, 4 ठीक है। तो इसी तरह से अब अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें कि राइट हैंड साइड से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू क्या होगा, लिमिट की इस तरह से है लिमिट x टेंड्स टू, ये एरो का मतलब है टेंड्स टू 2 प्लस, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं प्लस, 2 प्लस मतलब 2 के जस्ट क्लोज है ना, 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, क्या होगा मान लो 2.000001 तो 2 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू है ना, तो क्या होगा f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी वहां पे, और ही होगी ना है कि नहीं, यहाँ पे आप डालोगे x को 2 जस्ट छोटा सा बड़ा तो वो 4 के ही लगभग में आएगी, तो उसको हम लोग 4 लिए ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, क्या दिख रहा है आपको, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। बात समझ में आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के ठीक है। अगर अगर ऐसा है ना, जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है, तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो, तब इसको कहेंगे क्या कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, अगर ऐसा हो रहा है तभी हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नो ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई ये, चलो आपको अभी समझ में, मान लिया कि अभी 40% 50% आपको समझ में आया होगा ठीक है, लेकिन अभी आप आगे बढ़ोगे तो अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बात ठीक है। बात समझ में आई क्या, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे लिखते हैं और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, ये बात समझ में आई, इतना जानना है मुझे है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं उसको लेफ्ट हैंड तरफ से अप्रोच कर रहे होते हैं है ना फंक्शन की ओर, तो क्या होता है उसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, अगर कोई भी वैल्यू मान लो ये 2 है, कोई भी वैल्यू हमको जानना है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग किसी भी तरीके से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है ना, कोई भी एक मैंने कांस्टेंट ले लिया a माइनस ठीक है f ऑफ x। बात समझ में आ रही है, उसी तरह अगर राइट हैंड लिमिट लिखना है तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। बात समझ में आई, यस सर। चलो इसको हम लोग अभी और आगे पढ़ते हैं, देखो क्या 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 होता है इसका ठीक है, रिमूव कर रहा हूँ इसको, क्लियर कर रहा हूँ ठीक है। अब देखो आगे होता क्या है कि सबको, आपने बोला कि सर हम लोग तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट देख के ही तो बता सकते थे,
कि फंक्शन की वैल्यू क्या है ना, क्योंकि दोनों पे ही तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 4 आई है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आपका वैल्यू क्या था, 4 था, और राइट हैंड लिमिट में भी आपका वैल्यू क्या है, 4 है। तो आप ये आपके दिमाग में ये ख्याल उठ सकता है कि सर आपने दो वैल्यू क्यों लिखी है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके ही क्यों नहीं बना दिया, राइट हैंड लिमिट निकालने की क्या जरूरत थी, है ना। तो अब बात समझो कि होता क्यों, क्यों ऐसा जरूरी है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, बात को समझो। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने लिया कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है, फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है व्हेन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। जब जो एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 2 है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 ऐसा बोला गया कि अगर 0 से थोड़ा भी बड़ा हो जा रहा है ना x की वैल्यू, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 है ना। और अगर 0 से थोड़ा भी छोटा हुआ मतलब नेगेटिव है ना, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, ग्राफ से समझो एक बार। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे होता है। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो अगर आप लेते हो लेस देन 0, मतलब ये 0 है ना, ये पॉइंट 0 है, यहां से आप अगर लेस देन 0 इस तरफ जाते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 है ना। कोई भी वैल्यू आप ले लो नेगेटिव में, -1 -2 -3, तो लेकिन हमारा जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो कांस्टेंट क्या है, 1 है ना। इसलिए यहां से आप क्या कह सकते हो, है ना, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे जो है आपका क्लोज इंटरवल है ये वाला, है ना। ठीक है, ये क्लोज रहेगा। ठीक है, तो जब 0 से आप इस तरफ जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, है ना, 0 से हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड गया, तो क्या आ रहा है हमारा फंक्शन का वैल्यू, 1 है ना। और जैसे ही हम 0 से क्रॉस करके इस तरफ राइट हैंड साइड जा रहे हैं, है ना, 0 से जस्ट हमने क्रॉस किया राइट हैंड साइड, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2 ग्रेटर देन, है ना, ये। यस सर। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि लिमिट की क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ से, है कि नहीं। तो आपका फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन में 2, है ना। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या करेंगे, है ना। क्या किया हमने, कि क्या लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, कोई मुझे बताओ अभी इस केस में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू व्हाट, 0 माइनस, जब 0 माइनस, 0 से जस्ट छोटा, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, 0 से छोटा जब जा रहे हम लोग, है ना, x की वैल्यू ना देखेंगे हम लोग, है ना, x की वैल्यू जो है 0 से जस्ट छोटा मैंने ले लिया, है ना, मान लिया कि -0.0000001, है ना, 0 से बहुत ही क्लोज, है ना, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, तो वहां पे आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, क्या हो रही है, 1, f ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो ये आपका क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे, राइट हैंड लिमिट कैसे करोगे, लिमिट x टेंड्स टू माय 0 प्लस। तो अब यहाँ पे आपका f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से आपको देखने मिल रहा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या है,
लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना? तो इस केस में क्या होगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, है ना? ऐसे बहुत सारे आपके एग्जांपल होंगे, क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको नजर आएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंस आपका लिमिट्स का. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, है ना? अगर समझ जाओ तो आप बस क्वेश्चन देख के ही बता दोगे. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है कब नहीं एग्जिस्ट करता है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हमको देखो कुछ कुछ अलग तरीके से हम लोग कैसे लिमिट को प्रोसीड करते हैं. ठीक है, कैसे हम लोग लिमिट को हम लोग प्रोसीड करते हैं. ठीक है, ये सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ. जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और आसान लगेगा. ठीक है, तो जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर, ये टॉपिक. ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना? सपोज दैट कि तो एक फंक्शन है जो कि इस तरह का ग्राफ है आपका, है ना? इस तरह का ग्राफ है. ठीक है, ये मान लिया कि यहाँ पे ये a है, है ना? ये क्या है, x इक्वल टू a है, ये लाइन जो है x इक्वल टू a है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है. और आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि हम लोग फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, हम लोग फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं. तो क्या किया कि हमने क्या किया कि एक यहाँ पे हमने एक कॉन्स्टेंट ले लिया, ये मैंने लाइन ले लिया. ठीक है, ये देखने में आपको बहुत दूर नजर आ रहा होगा. ठीक है, ये बट ये जो डिस्टेंस है, है ना, ये जो हमने एच लिया है, ये एच है. ठीक है, ये एच है. ठीक है, एक्स इक्वल टू एच है. ठीक है, और एच ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही, ये बस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ थोड़ा सेपरेटेड. ठीक है, ये डिस्टेंस जो है बहुत ही छोटा है. एच का वैल्यू, सपोज दैट एच का वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटा है, सपोज दैट 0.00000001 है, है ना? बहुत ही छोटा वैल्यू है, है ना, एक्स का. तो अगर आप इससे जो आपका ए है, है ना, तो एच का क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो, है ना? तो जो लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, क्या लिखा हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे आप नॉर्मली, पहले एच की बात भूल जाओ, नॉर्मली कैसे लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट ए टेंड्स टू ए माइनस इनटू इक्वल टू होगा क्या, एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं कि लिमिट जो एच है, एच हमारा क्या रहा, टेंड्स टू जीरो हो रहा है ना, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, है ना? तो ये हमारा क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है. ठीक है, एच टेंड्स टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एच. बात समझ में आ रही है, लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच. ठीक है, सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट आप लिखते हो, है ना, राइट हैंड लिमिट, तो इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो. तो इन दैट केस जो हमारा लाइन बनेगा वो कहाँ होगा, इस तरफ बनेगा, है ना, एच का वैल्यू तो इस तरफ होगा ना, एक के बाद. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ ए एक्स प्लस एच, है ना, एच की टर्म में बात कर रहा हूँ. ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे होता है. यस सर. ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं.
आपको कह रहा है कि सपोज दैट कि एफ ऑफ एक्स जो है गिवन है एक्स प्लस, मान लिया एक्स प्लस 10 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो और आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू एट एक्स, फाइंड द लिमिट एट एक्स इक्वल टू 5। एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे आपको इसकी लिमिट निकालनी है, एट एक्स इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आपको चेक करना पड़ेगा ना कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ना, लिमिट की वैल्यू क्या है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। तो क्या किया हमने, लिमिट क्या करेंगे, एच ले लेंगे छोटा सा वैल्यू, है ना एच। पहले तो आप लोग इस तरह लिखोगे ना, एक्स टेंस टू 5 माइनस, है ना एक्स टेंस टू 5 माइनस, जस्ट 5 से छोटा, थोड़ा सा छोटा, है ना एफ ऑफ एक्स ये लिखोगे। ठीक है, अब अगर h की बात करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या होगा, क्या लिखा था, a लिखा था ना, a प्लस a माइनस h, यही लिखा था ना a माइनस h। तो a यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 5 है ना, तो 5 माइनस h f ऑफ 5 माइनस h। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ गया, इक्वल टू क्या होगा, x के जगह पे क्या आएगा 5 माइनस एच, 5 माइनस एच प्लस 10, है ना। और यहाँ पे आपका लिमिट है ही, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और लिमिट की वैल्यू आपने 0 डाली है h, तो आपका क्या आएगा 5 प्लस 10 इक्वल टू आपका कितना है 15। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आया 15। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 15। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट है ना एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ क्या होगा 5 प्लस एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डालेंगे 5 प्लस एच, तो क्या आया लिमिट एच टेंड्स टू 0 आपने डाला तो क्या आया 5 प्लस एच प्लस 10, है ना। अब यहां से आपने h की वैल्यू क्या की, 0 कर दी, तो कितना आया 5 प्लस 10 15। ठीक है 15। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट, है ना। दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे लिमिट, अगर ऐसा होता है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है तो क्या होगा, एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, है ना, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है देन लिमिट एग्जिस्ट, तो उसका वैल्यू क्या होगा फंक्शन का, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, है ना, इनटू एफ ऑफ ए। बात समझ में आ गई। तो अब इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हो कि एक्स का वैल्यू जो है एट एक्स इक्वल टू 5 लिमिट का फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 15। एफ ऑफ ए मीन्स व्हाट, है ना, एफ ऑफ ए मीन्स व्हाट 5 प्लस 10, है ना, इक्वल टू 15। तो एट एक्स इक्वल टू 5 जो लिमिट, जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या होगा 15 होगा। बात समझ में आई। पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले लिमिट एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो पहले हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए कि हाँ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है देन व्हाट, लिमिट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होता है तो फिर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, है ना, f of x equal to limit x tends to a plus f of x, then in that case limit का जो function का value होगा वो क्या होगा, limit x tends to a f of a, clear? Yes sir। ठीक है, आप लोग कोशिश करो थोड़ा थोड़ा करने का, है ना, question book भी पढ़ो, video lectures भी देखो मेरा वाला, और उसके बाद फिर
पढ़ने का कोशिश करो, क्वेश्चन एक एक करके आपको समझ में आएगा। अभी आगे हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है।